इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंदी का चरा सभागृह में रखने संबंध मनसे ने आम सभा में निदर्शन किया। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान है, इसका सभी भारतीयों को अभिमान है। भारत की लोकशाही यह अबाधित रहे, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष पारदर्शक रहे, इसके लिए मतदान प्रक्रिया से ईवीएम मशीन हद पार कर बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना लोकशाही की जरूरत है। संपूर्ण देश में ईवीएम मशीन के बारे में मतदारों में रोष है, संदेह है। कई स्थान आंदोलन हुए, मोर्चे भी निकले। ईवीएम से लोकशाही खतरे में आई है। माइक्रो प्रोसेसर, ब्लूटूथ और मेमोरी चिप का इस्तेमाल कर मतदान में हेरा फेरी की जा सकती है, यह एक अमेरिकन शास्त्रज्ञ ने सिद्ध किया है। विश्व की सबसे बड़े प्रगत देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, नेदरलैंड जैसे देश में ईवीएम पर बंदी है। ऐसा होकर भी भारतीय चुनाव आयोग मतदान के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करता है, यह लोकशाही की हत्या है। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शक, संदेह विरहित भारत में मतदान के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल बंद कर मतदान बैलेट पेपर पर पारदर्शी पद्धति से लिया जाए, ऐसा ठहराव 31 अगस्त की आम सभा में रख वह पारित करे और वह ठहराव केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और चुनाव आयोग को भेजे, ऐसी विनती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महापौर को लिखे एक पत्रक में किया। इस दौरान ईवीएम घेऊन जा रे मारबत, इड़ा पीड़ा टड़ू दे, ईवीएम मशीन जड़ू दे, ऐसी नारेबाजी की गई। मारबत के साथ मनसे नगर सेवक सचिन भोयर ने निदर्शन किया। पालिकेमध्ये आमसभा होती, त्या आमसभेच्या अनुषंगाने या ठिकाणी ईवीएम बंदीचा ठराव माझ्या वतीने मांडण्यात आला, परंतु महापौराने असा कुठल्याही पद्धतीचा अधिकार नसल्याचे बतावत तो ठराव सभागृहात ठेवला नाही। महापौरांचा या कृतीचा मी निषेध करतो। माननीय राजसाहेबांनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर, भारतभर आणि दिल्लीला निवडणूक आयोगांकडे तक्रार करून ईव्हीएमच्या तक्रार केली होती। ईव्हीएममध्ये कसा फेरफार केला जातो हे सगळं पत्रकार बंधूंना पासून तर लोकांना साऱ्यांना माहीत आहे, परंतु वारंवार निवडणूक आयोग अशा पद्धतीने ईव्हीएमचा वापर करतो ही खरंच लोकशाहीची हत्या आहे। लोकशाही, भारत देशामध्ये लोकशाही टिकली पाहिजे आणि त्या संशयविरहित पारदर्शक निष्पक्ष असा निवडणुका झाल्या पाहिजेत, यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चंद्रपूरच्या वतीने आम्ही सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी हा विषय घेऊन आलो होतो।